प्रोग्राम में गलती होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर जो साइन होता है हर नंबर का एक साइन होता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन नंबर्स के साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर एरर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बिट पैटर्न्स बनाए जाते हैं। उन बिट पैटर्न्स को क्या कहा जाता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्लियर है? ये हर एक नंबर का किया जा सकता है, लेकिन ये एक नंबर को होल में नहीं कंसिडर किया जाएगा, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा अलग अलग पार्ट्स में। अब ये डिपेंड करता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो ये तीन तीन के ग्रुप में जाएगा, हेक्साडेसिमल है तो चार में जाएगा। अब आप इतना डिटेल में मत जाओ, आपको सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि इसका एक डायरेक्ट बाइनरी निकालने के लिए इन सबको अलग अलग किया जाएगा और जो आपको मिलेगा वो तीन या चार का ग्रुप कहलाया जाएगा, एक बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये कंप्यूटर की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के लिए स्कीम को यूज किया जाता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता आपकी लैंग्वेज में, चाहे वो आपके एरर्स हैं, चाहे वो आप साइन शो कर रहे हो, सबको कन्वर्ट होना है एट लास्ट वन एंड जीरो। उसके लिए एक स्कीम ये भी है, यूजुअली एसकाई ISCII DCD एक सब ये जितने भी स्कीम्स हैं सब सिस्टम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपका कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर। क्लियर है? ये बढ़े आगे। अब लिखिए यूनिकोड।